अज़बल अबिनशी वाड्र जी बसमिल्ल वेरी वनरेबल व्यूअर्स वी आर टू टॉक अबाउट फॉलोइंग डायरेक्शंस, यानी बच्चों ने क्लास के अंदर प्रोजेक्ट में वर्किंग uh, प्लेस पे किस तरह से डायरेक्शंस को फॉलो करना है और uh, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब तक डायरेक्शंस हिदायत क्लियर नहीं होती और वो रिटेन नहीं करते वो बच्चे मेमोराइज़ नहीं करते उसको क्लियर नहीं कर लेते दो चीज़ें इंपॉर्टेंट एक तो यह है कि उसको क्लैरिटी के साथ परसीव करें कि वट हैज़ बिन डायरेक्टेड वट आर टू डू ये दो चीज़ें हैं और फिर यह है कि उसको कंप्लीट करने के लिए द प्रोसेस इज गोइंग ऑन डे टू कंटिन्यू एक्टिविटी तो उसमें ये कहना वट शॉर्ट ऑफ डायरेक्शंस आर नीडिड तो उनको बताया जाए कि ये पाँच तरह की तीन तरह की दो तरह की जितनी भी हो वो डायरेक्शन हैं जिसका अपने ख्याल रखता है इसमें यह कि वी मेक डायरेक्शंस सेट फॉर कंड वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट लाइक इन साइंस एक्सपेरिमेंट उसमें हम उनको बता देते हैं कि हाउ यू टूज असम्बल मटीरियल हाउ टू कलेक्ट मटेरियल एंड हाउ टू पुट दैट साट ऑफ मटेरियल और उसमें वो जो डायरेक्शन है जो उनको यानी ब्रेकेज ऑफ मटेरियल की तरफ ले जा सकता है आपका प्रोजेक्ट जो है ना वो शॉर्ट ब्रेक हो सकता है आपके प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ सकती है आपका टाइम वेस्ट हो सकता है व्हाट्सअप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वी गिव दैम और उसमें uh, हम जो वेरी स्पेसिफिक आइटम है वेरी कंसनट्रेटेड वेरी सेंट्रल टास्क है उसको हम जरूर डिक्लेयर करें कि दिस टास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट इसका रिजल्ट आपको हासिल करना बहुत अहम है मतलब एक सॉल्यूशन है उसका इस्तेमाल उसका सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है वो प्रॉपर uh, होना चाहिए या तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर हो या फिर हमें प्रिपेयर करना है तो हम उसको उसके जो जबे के मुताबिक या प्रपोर्शन के मुताबिक जो उसका रिकमेंडेड है वो हम उसमें ज़रूर ऐड करेंगे तो कुछ डायरेक्शन जो है ना वो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट के मुताबिक और उसके कॉन्सिक्वेंसिस उसके रिजल्ट के मुताबिक देना और कंप्लीट सेट की फॉर्म में देना इट्स मैच मोर इम्पोर्टेंट इसमें आ, उनको अलर्ट करना व्हाट यू आर टू डू राइट नाउ यानी अब उन्हें क्या करना है तो दे कैन पुट क्वेश्चन वी कैन ऑल्सो एस्पेक्ट आंसर क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स दैट दे गेट रेडी फॉर पुटिंग क्वेश्चन एंड वी वी गेट रेडी टू आंसर दैम एंड मेक दैम टू मेक देर चॉइसिस कि वो कौन सी बात करना चाहते हैं कौन सी बात पहले करना चाहते हैं

शेयरिंग के लिए उनको देर शुड नॉट बी एनी हेजिटेशन और प्रॉब्लम इसी तरह एक फार्मूला हम सेट कर सकते हैं कि यूज थ्री बिफोर मी इन स्टूडेंट को कहते हैं कि यस मुझसे पहले ये बात दो या तीन लोगों से और से पूछी जाए ओके इन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे बाज़ात चीज़ों को डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर पाते तो हम वही डायरेक्शन दो तीन लोगों से पूछते हैं और फिर उससे पूछते हैं जो उसके बारे में हमें ये होता है कि ये फर्ज जो है ना ये थोड़ा सा स्लो पेज है और ये डायरेक्शन लेने में सुस्त है तो वी एनश्योर टू थ्री पर्सन फर्स्ट देन वी आस्क रादर इवन देन यू गाट क्लियर और नॉट और इफ द पर्सन इज इवन देन नॉट गेट क्लियर अबाउट द सिचुएशन अबाउट द प्रोसीजर या फिर ये है कि उसे इंस्ट्रक्शंस अभी तक भी क्लियर नहीं हुई तो फिर यह है कि वी मेक अरेंजमेंट फॉर अनादर आर्टिकुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन यानी वो बात कही जाए किसी और स्टूडेंट को इन्वॉल्व किया जा सकता है नॉट ओनली थ्री थ्री इज नॉट अ स्टैंडर्ड हम ये ज़्यादा लोगों से भी एक बात को पूछ सकते हैं ओवरऑल इंस्ट्रक्शंस के लिए बड़ा हेल्पफुल uh, है कि वी इन्वॉल्व ऑल पार्टिसिपेंट्स वी आस्क वन टू थ्री फोर पार्टिसिपेंट्स टू रिपीट इफ यू फील द पार्टिसिपेंट्स आर नॉट वेल क्लियर अबाउट द इंस्ट्रक्शंस और द डायरेक्शंस तो वी कैन आस्क देन टू रिपीट एट वन टू थ्री तो वन टू थ्री का फायदा ये होता है कि द रेपटेशन इज गोइंग ऑन एंड एवरी बॉडी इज गोइंग टू क्लियर देअर सेल्फ और इस कलेरिटी में फ़ायदा ये होगा द लैंग्वेज इज वेरी क्लियर बच्चे आपस में जो लैंग्वेज बोल रहे होते हैं दे आर यूजिंग सिंपल लैंग्वेज दे आर मेकिंग अदर फेलोज वेरी क्लियर अबाउट द डायरेक्शन दैट्स गोइंग गो और इसमें ये भी हम कह सकते हैं कि यू टॉक्स वेरी लेस यानी बातें कम करें ये बातें डायरेक्शन के बारे में नहीं है ये बातें वो हैं जो आपस में वो आ, काम करते हुए कर रहे होते हैं जो आमतौर पर वो अपने खेल की बातें कर रहे होते हैं या आमतौर पर दूसरे टास्क की बात कर रहे होते हैं या फिर यह है कि वो अपने बारे में कोई बातें पर्सनल बातें उनकी हो रही होती हैं कि कल तुमने क्या खाया और आज क्या खाया और आज क्या खाएंगे वट्स तो ये बातें टास्क में करने वाली नहीं होती है कि जब टास्क हो रहा होता है तो उसमें दे ग डिस्ट्रकट उनकी तवज्जो इधर उधर हो सकती है उनका टास्क मुतासर हो सकता है और ये एक ख़ास तरह की डिस्ट्रक्शन है जिससे इंस्ट्रक्शंस में डिस्ट्रक्शंस uh, आ सकती है और वी मेक देम अश्योर के ओनली टू डू देयर टास्क ओनली दे टू शेयर देयर टास्क विद ईच अदर दट इज विच इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट जो अहम बात है वो आपस में ज़रूर शेयर करें एक दूसरे से ज़रूर पूछें और एक दूसरे को डायरेक्शन दें भी और डायरेक्शन लें भी और फिर यह है कि उस टास्क को इंश्योर करने में उनका अपना जो रोल है वो ज़रूर प्रिपेयर करें और उस रोल में दे कैन हेल्प अदर्स दे कैन गेट हेल्प फ्रॉम दी अदर्स और लेकिन आम पर जो अपने आप को यानी और बातों में मसरूफ़ करना है और ध्यान इस तरफ इधर उधर करना है उससे अपने आप को बचाना बड़ा ज़रूरी है दूसरे फर्द को भी बचाना बड़ा ज़रूरी है और दूसरे फर्द को जब एक बच्चा बात पूछता है तो इस तरह उसका काम भी डिस्टर्ब होता है और बच्चा खुद भी अपने काम को डिस्टर्प करके तो दूसरों से हेल्प ले रहा होता है हेल्प ले रहा होता है या सिर्फ वो अपनी बात कर रहा होता है हम हेल्प लेने की लिए तो रिलेक्टेंट नहीं है और ना ही हम ऐसी कोई डायरेक्शन दे रहे होते हैं कि वी बी रिलेक्टेंट और वी बी रेजिस्टेंट नॉट टू गिव नॉट टू आस्क एनी डायरेक्शन फ्राम देर फेलोज वी आर आस्किंग तो वो अपने फेलोज से शेयर कर सकता है लेकिन आम तौर पर जो अमूमी बातें हैं उससे बरल उनको अवॉइड रहना चाहिए थैंक यू वेरी मच फॉर बींग हेयर विदास